नमस्कार, एवन तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप और इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं हूं दीप कमल सहारन। आज पूरा प्रदेश एक ऐसे शख्स को याद कर रहा है जिसने न सिर्फ आजादी की लड़ाई लड़ी बल्कि आजादी के बाद भी किसानों के लिए लगातार संघर्ष किया। उन्होंने न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश की राजनीति पर गहरी और कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी। उन्होंने न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश की राजनीति में भी ऊंचाइयों को छुआ और राजनीति को बदला भी। उस शख्सियत को आज पूरा प्रदेश याद कर रहा है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल की आज पुण्यतिथि है और इसी पर पेश है हमारा विशेष कार्यक्रम याद आए ताऊ देवीलाल। जी हाँ, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की 12वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस मौके पर दिल्ली के किसान घाट पर एक प्रार्थना सभा करवाई गई। आज सुबह देवीलाल के पोते और इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला, देवीलाल के परपोते दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा समेत बड़ी संख्या में लोग इस प्रार्थना सभा में शामिल हुए। सभा में जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव भी मौजूद थे और इस मौके पर सभी ने ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के किसान घाट पर आज तमाम लोग चौधरी देवीलाल को याद करने पहुंचे। आज उनकी 12वीं पुण्यतिथि है। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से चौधरी देवीलाल के पौत्र अभय सिंह चौटाला वहां पहुंचे। उनके अलावा परिवार के बाकी लोग भी मौजूद थे और जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव भी चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। चौधरी देवीलाल जो थे वो कोई पर्टिकुलर किसी एक पार्टी के या एक परिवार के नहीं थे। चौधरी देवीलाल ने अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया और संघर्ष भी उस जमात के लोगों के लिए किया जो बहुत दबे और कुचले हुए लोग थे। किसान की उस वक्त में कोई किसान की तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं था। चौधरी देवीलाल ने अपने छोटे से जीवन काल से शुरुआत करके आखिर तक की लड़ाई में किसान की, मजदूर की, पिछड़े की, छोटे की, उसकी हिमायत करी। और चलिए चौधरी देवीलाल के बारे में थोड़ा जानते हैं। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक महान नेता, एक करिश्माई राजनीतिज्ञ, एक ऐसी शख्सियत जिसे किसानों की आवाज कहा जाता था, ऐसे थे चौधरी देवीलाल। ताऊ देवीलाल ने देश की आजादी से लेकर आजाद भारत के किसानों के हक की लड़ाई हमेशा लड़ी। एक पार्टी के आम कार्यकर्ता से लेकर देश के उप प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर आइए उनके जीवन पर एक नजर डालते हैं। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम शुगना देवी और पिता का नाम लेखराम सिहाग था। देवीलाल का वास्तविक नाम देवी दयाल था। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा चौटाला गांव में हासिल की और मिडिल की परीक्षा डबवाली के सरकारी स्कूल से पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए मोगा शहर के एसडी स्कूल में दाखिला लिया। देवीलाल पंजाब के बादल गांव के एक अखाड़े में कुश्ती के प्रशिक्षित पहलवान भी थे। 1914 को 25 सितंबर को तेजाखेड़ा गांव में उनका जन्म हुआ और जन्म के बाद उन्होंने जो अपनी प्राइमरी शिक्षा थी वो चौटाला गांव में उन्होंने प्राइमरी तक की शिक्षा प्राप्त करी और उसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा के लिए क्योंकि नजदीक में कोई उन दिनों में स्कूल कॉलेज नहीं होते थे, इसलिए एक मोगा में स्कूल होता था पंजाब में जो हमारे नजदीक था, वहां पे उनका एडमिशन कराया गया और उन्होंने फिर अपनी अगली जो पढ़ाई थी 5वीं के बाद 5th के बाद की
वो फिर उस स्कूल से प्राप्त गए। चौधरी देवीलाल सशक्त और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी होने के साथ साथ निर्भीक, पराक्रमी, बेहद साहसी और मानवता के पुजारी थे। वे अन्याय और अत्याचार का मुकाबला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और शोषित किसानों, गरीब, मजदूर, छोटे दुकानदारों और ग्रामीण समुदाय के प्रति उनका गहरा प्रेम था। वे सही मायनों में गांधीवादी होने के साथ साथ बेहद सरल, सादा, तप, त्याग और संघर्ष का जीवन जीते थे। चौधरी देवीलाल ने जीवन में कभी हार जीत की परवाह नहीं की और बड़े से बड़े पद को ठोकर मारने में भी संकोच नहीं किया। उस वक्त में सबसे पहले एक वंदे मातरम अखबार आता था और वो अखबार एक ऐसा साधन था कि जो देश की आजादी के मैसेज एक से दूसरे गांव में देता था, उसको लोग पढ़ करके फिर उस आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ते थे। उन्होंने सबसे पहले उस अखबार को बांटना शुरू किया और जब वो अखबार बांट रहे थे तो उस दौरान उनको उस वक्त की जो पुलिस थी, जो अंग्रेज की हुकूमत की पुलिस थी, उन्होंने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उनको इस बात के लिए डराया और धमकाया गया कि अगर आपने ये अखबार बांटे तो फिर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, आप अपनी पढ़ाई पूरी रखें। 6 अप्रैल 2001 यानी आज ही की शाम नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हृदय गति रुक जाने से चौधरी देवीलाल का निधन हो गया था। चौधरी देवीलाल का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। चौधरी देवीलाल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका बुजुर्गाना अंदाज और मीठी झिड़कियां उनके कार्यकर्ताओं को आज भी याद है और सही रास्ते की विचारधारा वाली जो सीख वो देकर गए हैं वो सदैव हमारे बीच रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। चौधरी देवीलाल शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और दूर तक सोचने वाले नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता था। सारी उम्र उन्होंने देश और प्रदेश की जनता के लिए संघर्ष किया। ताऊ देवीलाल कहा करते थे कि लोकराज लोकलाज से चलता है और सत्ता सुख भोगने का नहीं बल्कि जनमानस की सेवा करने का माध्यम है। राजनीति ताऊ देवीलाल के इसी जज्बे को पूरा करने का एक जरिया थी। चलिए देखते हैं कि कैसे राजनीति की सीढ़ी पर एक एक पायदान चढ़कर उन्होंने नई ऊंचाइयों को छुआ। चौधरी देवीलाल का बचपन से ही राजनीति के प्रति गहरा लगाव था। अपने स्कूली जीवन में उन्होंने मुजारों के बच्चों के साथ रहकर नायक की भूमिका निभाई। एक किसान के परिवार में जन्मे चौधरी देवीलाल का राजनीतिक जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साल 1930 से ही शुरू हो गया था। 1938 में चौधरी देवीलाल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए चुने गए। 1952 में पंजाब विधानसभा के सदस्य बने। चौधरी देवीलाल 1956 में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 1958 में चौधरी देवीलाल सिरसा विधानसभा सीट से विधायक बने। साल 1971 में चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और अपनी अलग पार्टी बनाई। 1977 में जनता दल की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री चुने गए। 1980 से 1982 तक चौधरी देवीलाल लोकसभा के सदस्य रहे और 1982 से 1987 तक विधायक रहे। 1987 में प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 90 में से 85 सीटें जीतकर चौधरी देवीलाल की पार्टी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की और वो दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। चौधरी देवीलाल 1989 में लोकसभा चुनाव जीतकर देश के उप प्रधानमंत्री चुने गए। 1998 में चौधरी देवीलाल राज्यसभा पहुंचे। चौधरी देवीलाल ने केंद्र में प्रधानमंत्री के पद को ठुकराकर भारतीय राजनीति के इतिहास में
त्याग का नया आयाम स्थापित किया। वर्तमान भारतीय राजनीति में चौधरी देवीलाल का कद बहुत ऊंचा और सम्मानजनक है। लोग उन्हें भारतीय राजनीति के अपराजित नायक के रूप में जानते हैं। चौधरी देवीलाल ने भारतीय राजनीतिज्ञों के सामने जो चरित्र रखा वो वर्तमान दौर में बहुत प्रासंगिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। तो एक मिसाल थे चौधरी देवीलाल, राजनेताओं के लिए, आम लोगों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए। हमारे साथ चौधरी देवीलाल के परिवार के एक सदस्य, उनके पड़पौत्र दुष्यंत सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, एवन तहलका पर आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कौन सी यादें आपके परदादा से जुड़ी हुई हैं, कौन सी सीख आपने उनसे ली है जिस पर आप हमेशा अमल करते हैं? देखिए, हम तो बहुत छोटे थे, 12 साल का था जब चौधरी साहब का देहांत हुआ जी। मगर हमेशा जिंदगी में चौधरी साहब ने एक ही चीज बताई कि उनके समय पे शिक्षा का इतना बड़ा योगदान नहीं था हमारे देश के अंदर, मगर हमेशा वो एक चीज के पीछे पड़े रहते थे कि शिक्षा लीजिए, अच्छी शिक्षा लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और लोगों का पढ़े लिखे ढंग से आप विकास कर पाएंगे। मेरे को कल ही पता चला कि चौधरी देवीलाल एक बार साउथ इंडिया का, तमिलनाडु का दौरा कर रहे थे और मद्रास में उनकी रैली थी जी। तो जब उससे पहले राजीव गांधी ने उनको एक हिंदी फैनेटिक बोला, कहा कि ये तो गवार है जी। तो उस दिन चौधरी देवीलाल जब स्टेज पर चढ़े तो सारे लोगों ने सोचा कि ये हिंदी में स्पीच देंगे, मगर चौधरी देवीलाल ने उस दिन इंग्लिश में स्पीच देकर पूरे तमिलनाडु ही नहीं पूरे भारत को आश्चर्य में डाल दिया था कि चौधरी साहब भी हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर कैसे स्पीच दे पाए। तो ये कई चीजें हैं जो चौधरी देवीलाल की हमें सुनने को मिलती है या हमारे साथ बीते हुए पल है जिनको हम बारी बारी याद कर उनकी याद को आज भी हमारे दिल के अंदर पहले से भी ज्यादा प्यार और स्नेह के साथ बसाए बैठे। जी दुष्यंत, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो चौधरी देवीलाल के चाहने वाले याद करते हैं, बहुत सारे उनकी शुरू की गई योजनाएं हैं जन कल्याण की जो अपने आप में मिसाल हैं और पहली बार बहुत सारी चीजें उन्होंने लागू की। आपके हिसाब से युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश या सबसे बड़ा तोहफा क्या था चौधरी देवीलाल की ओर से, युवाओं के प्रति उनकी क्या सोच थी? देखिए, जो बेरोजगारी भत्ता था उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान चौधरी देवीलाल का रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा, 1989 के अंदर जब वो DPM थे तो एक अमेरिका का ट्रिप था, चौधरी अजय सिंह चौटाला उनके साथ गए थे। तो जब न्यूयॉर्क के अंदर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी क्रॉस करी तो चौधरी देवीलाल ने देख कर बोला कि कब हमारे देश के अंदर ऐसे इंटरग्रेटेड कॉम्प्लेक्सेज होंगे जहाँ एजुकेशन, खेल और रिसर्च इकट्ठी करी जाएंगी। और उस चीज के नक्शे कदम पर आकर जब चौटाला साहब की सरकार बनी तो अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज थी हरियाणा के अंदर उनके अंदर भी मल्टी फैसिलिटीज चौटाला साहब ने चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर उनके सपनों को पूरा करने का बनाने का काम किया। तो इसी तरह सिरसा के अंदर CDLU बनाई गई, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर नए कोर्सेज लाए गए, HAU के अंदर नए कोर्सेज लाए गए, MDU के अंदर कोर्सेज लाए गए। उसी तरह पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ स्टेडियम नहीं थे वहाँ चौटाला साहब ने उन सपनों को पूरा करने के लिए युवाओं के लिए स्टेडियम बनाने का काम किया। तो एक सोच थी चौधरी देवीलाल की कि हरियाणा को भारत ही नहीं देश के नक्शे पर लाना चाहिए, और उस सोच को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उनके नक्शे कदम पर चलकर लाने का काम किया। जी दुष्यंत, मैं इसी से जुड़ा आपसे सवाल करना चाहूंगा कि चौधरी देवीलाल की विरासत बेहद समृद्ध और बेहद जिम्मेदार उनके करियर वाली रही है, ऐसे में इस चीज का आपके आपके परिवार को, आपकी पार्टी को फायदा भी हमेशा मिला है, लेकिन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी एक तरीके से आ जाती है, उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं। जो मौजूदा चुनौती आपके परिवार के सामने है, आपके परिवार के दो बड़े सदस्य जेल में हैं एक मामले को लेकर, ऐसे हालात में कैसे चौधरी देवीलाल की विरासत को जिम्मेदारी तरीके से आपका परिवार निभा पाएगा? देखिए, चौधरी देवीलाल को और चौटाला साहब को कांग्रेस सरकार ने 19 महीने इमरजेंसी के दौरान जेल में रखा था जी। और उसके बावजूद भी जब चौधरी देवीलाल बाहर आए, चौटाला साहब बाहर आए, तो हरियाणा के अंदर ही नहीं देश के अंदर एक क्रांति आई थी, न्याय युद्ध की शुरुआत हुई थी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया गया था। और फिर दोबारा हरियाणा में एक रीजनल पार्टी ने विकास कर दिखाया था। उसी तरह आज हमारे दो मुख्य लोग जेल के अंदर बंद है, हम उनके कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी यही सोच है कि जब चौटाला साहब अजय सिंह जी हमारे बीच में आए तो हम इसको 21 कर उनको लौटाएं और पार्टी को पहले से मजबूत करें।
यही सोच के प्रति आज हम इसी लोगों के बीच में जाकर ये चीज बता रहे हैं। ये दूसरे न्याय युद्ध की शुरुआत है, ये नए जमाने की इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई है और इसके विरुद्ध हरियाणा की जनता का हमें जैसे उनने हमारा पहले साथ दिया था उसी तरह हमें उनका भरपूर साथ चाहिए होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत चौटाला एवं तहलका हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए। चौधरी देवीलाल के पड़पौत्र और अजय सिंह चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला हमारे साथ जुड़े थे और ऐसा विश्वास जाहिर कर रहे थे कि भले ही उनके परिवार के दो बड़े नेता इस वक्त जेल के भीतर हैं लेकिन चौधरी देवीलाल की विरासत को समृद्ध रखने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से जारी रहेगी। और चौधरी देवीलाल में बचपन से ही संघर्ष का जज्बा और गजब का मादा था। उन्होंने देश की आजादी और प्रदेश के किसानों के हक के लिए हमेशा खूब संघर्ष किया। इसके लिए वो कई बार जेल भी गए। महज 15 साल की उम्र में ही घर वालों को बताए बिना चौधरी देवीलाल आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। महात्मा गांधी के एक आह्वान पर चौधरी देवीलाल 10वीं कक्षा की पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। देश की आजादी और अन्य हकों की लड़ाई लड़ते हुए चौधरी देवीलाल कई बार जेल गए। साल 1930 में चौधरी देवीलाल देश की आजादी के आंदोलन में शामिल हो गए और करीब एक साल तक जेल में भी रहे। साल 1932 में देश की आजादी के लिए संघर्ष करते हुए चौधरी देवीलाल दूसरी बार जेल गए। 1942 में भी उन्हें 2 साल के लिए मुल्तान जेल भेजा गया और 1943 में उन्हें रिहा कर दिया गया। आजादी के बाद साल 1973 में दलितों, किसानों और मजदूरों की रक्षा के लिए चौधरी देवीलाल ने गांव-गांव घूमकर किसान संघर्ष समिति का गठन किया। 1975 में इमरजेंसी के दौरान भी चौधरी देवीलाल 19 महीनों के लिए जेल में रहे। देश की आजादी के बाद चौधरी देवीलाल किसानों के लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। उन्होंने किसानों के हकों के लिए एक किसान आंदोलन शुरू कर दिया जिसके चलते उन्हें 500 कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। किसानों और ग्रामीण लोगों के बीच उनकी प्रसिद्धि के चलते उन्हें ताऊ कहा जाने लगा। आपातकाल और तानाशाही के विरोध में संघर्ष के लिए वे शेरे हरियाणा के रूप में प्रसिद्ध हुए। स्मरण मुझे आज भी उनका अच्छी तरह से याद है। लाला लाजपत राय ने अमृतसर के अंदर उस आंदोलन की अगुवाई करते हुए पुलिस का सामना किया था और वो जब सामना कर रहे थे तो चौधरी देवीलाल हमें बताया करते थे कि मैं उस वक्त केवल मात्र 14 साल का था और वहां महात्मा गांधी ने आना था तो मुझे जब पता लगा कि महात्मा गांधी अमृतसर आ रहे हैं तो मैं उनको देखने गया कि जाकर के देख क्यों कि महात्मा गांधी कौन सी शख्सियत है। और जब मैं उनको देखने गया तो आगे लाला लाजपत राय पे लाठियां बरसाई जा रही थी और मैं भी उस जुलूस में शामिल था जिस जुलूस में अंग्रेजों ने इस तरह की बर्बरता करी थी और मैंने जब उस चीज का विरोध किया तो मुझे उठा करके पुलिस ने ले जा करके लाहौर की पोस्टल जेल में, पेशावर की पोस्टल जेल में ले जा करके बंद कर दिया और 2 साल तक जेल में उनको रखा। सिर्फ इसलिए रखा कि उन्होंने उस वक्त में अंग्रेज का विरोध किया। हरियाणा के इतिहास में और हिंदुस्तान के इतिहास में गरीब किसान मजदूर कमेरे वर्ग जो अपनी खून पसीने की कमाई से एक वक्त की रोटी का गुजारा करता है उस व्यक्ति की अगर किसी ने सोच रखी, उस आम आदमी की किसी ने सोच रखी हिंदुस्तान के इस इतिहास में तो सबसे पहले दीन बंधु सर छोटू राम जी ने रखी। उसके बाद जब हिंदुस्तान की आजाद हुआ उसके बाद उनके चले जाने के बाद अगर किसी ने उस आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ी, उस गरीब किसान मजदूर के लिए, उस रूरल आदमी के लिए किसी ने अगर लड़ाई लड़ी तो जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने लड़ी। आज भी चौधरी देवीलाल का महज नाम लेने से ही हजारों की संख्या में बुजुर्गों और नौजवानों में एक नई लहर दौड़ जाती है। उन्होंने आजीवन किसानों, मुजारों, गरीब और बेसहारा लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और कभी भी पराजित नहीं हुए। जनमानस हमेशा याद करते रहेंगे कि हरियाणा की पुण्य भूमि ने एक ऐसे नरकेसरी को जन्म दिया था जिसने अपने त्याग, संघर्ष और जुझारूपन से परिवार के मुखिया ताऊ के दर्जे को राष्ट्रीय ताऊ के सम्मानजनक और श्रद्धापूर्ण पद के रूप से अलंकृत किया।
ब्यूरो रिपोर्ट एवं तहलका हरियाणा। तो आम लोगों के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच ताऊ के नाम से जाने जाते थे चौधरी देवीलाल, और हमारे साथ चौधरी देवीलाल के सुपुत्र प्रताप चौटाला फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रताप जी, एवन तहलका हरियाणा पर आपका स्वागत है। आपने चौधरी साहब के साथ काफी वक्त बिताया है, आपने कौन सी बातें उनसे सीखी हैं और ऐसी कौन सी प्रेरणा चौधरी देवीलाल के भीतर थी जिसकी वजह से वो लगातार लोगों के बीच में रहकर उनके लिए काम करते रहते थे? ऐसा है कि मेरे पिताश्री सचमुच में एक बड़े सरल, सादा और सज्जन पुरुष थे जी। वो तप और त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपने, जब वो विद्यार्थी जीवन में थे, उस वक्त भी साइमन कमीशन जब आया और वो लाला लाजपत राय जी पे वो लाठियां बथी, तो वो बड़े इससे प्रभावित हुए और उनके लिए प्रेरणा स्रोत लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के सारे थे। वो सच्चे गांधीवादी थे, लेकिन इसके साथ साथ वो सुभाषवादी भी थे, भगत सिंह वादी भी थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा संतुलित था। वो आउट एंड आउट, आप यूं समझ लीजिए, कम्युनिस्ट तो थे नहीं जी, लेकिन वो समाजवाद के ये डेमोक्रेटिक वे में, जो सोशलिज्म है, इसके बड़े भारी वो मानने वाले थे। और उन्होंने अपने पिता चौधरी लेख राम के सिर पे, वो होल टाइमर पॉलिटिशियन थे जी। घर बहुत कम आया करते थे, आते थे तो पैसा लेने आते थे जी। मेरे दादाजी चौधरी लेख राम के स्वर्गवास होने के बाद मेरे मेरे पिताजी के हकीकी भाई चौधरी साहब राम, जो पहले कांग्रेस टिकट पे यूनियनिस्ट पार्टी, जो सर छोटू राम की अंग्रेज नवाज पार्टी थी, उसके खिलाफ कांग्रेस टिकट पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक्ट के तहत, जो सन 35 का एक्ट था, वो लाहौर विधानसभा के लिए चुने गए थे जी। तो अपने बड़े भाई सोहेल साहब राम के सिर पे उन्होंने राजनीति की, घर से बेफिक्र होके। जब मेरे ताया जी का भी निधन हो गया जी, तो मेरे भ्राता श्री, मेरे ज्येष्ठ भ्राता ओमपुर का चौटाला जी, ने उनको इस तरफ से बेफिक्र कर दिया कि घर गृहस्थ की आप चिंता ना करें। घर का काम ओमपुर का चलाता था, हमारे बड़ी जमींदारी थी, उसकी भी वो देखभाल करता था। इसके अलावा ओम प्रकाश ने मेरे को, रणजीत को, सबसे छोटा जगदीश था, हम तीनों भाइयों को पढ़ाया जी। मैं तो अमृतसर खालसा कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना, क्रोडिमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी चोटी के कॉलेजों में पढ़ा हूँ, और मुझे खुला खर्चा ओम प्रकाश दिया करता था। तो ओम प्रकाश के सिर पे वो बेफिक्र होकर राजनीति करते रहे। उसके बाद जी प्रताप जी, जब आपातकाल की घोषणा हुई जी जी, तो मैं और रणजीत, हम दो ही बार थे, और ओम प्रकाश और मेरा सबसे छोटा भाई जगदीश जी, ये 19 महीने हिसार जेल में रहे। और मेरे पिताजी महेंद्रगढ़ की जो सख्त से सख्त जेल थी, और जितनी उन पे अत्याचार बंसी लाल ने किया जी, वो जितना जयप्रकाश नारायण जी पे अत्याचार हुआ बंसी लाल के टाइम में, उससे कम नहीं था। तो ये सारी कठिनाइयां उन्होंने सहन की, तो ओम प्रकाश ने उनका पूरा साथ दिया। मैं और रणजीत तो भटक गए थे, हम तो कांग्रेस में चले गए थे, और मैं तो पछताया भी बहुत। और आखिरी वक्त में चौर साहब ने मुझे ये कहा, और इसके अलावा मुझे तो ये सुल्तान सिंह वगैरह, सम्राट प्रकाश सिंह बादल, ये लोग भी कहा करते थे जी, कि प्रताप तुम गलत जगह है, और उन सब का प्रयास था। तो जी बिल्कुल प्रताप चौटाला जी, बिल्कुल आज आप एक बार फिर अपने परिवार के साथ हैं, ओम प्रकाश चौटाला और उनके परिवार के लोगों के साथ मिलकर राजनीति में उनकी मदद कर रहे हैं।
आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने सारी स्थितियों को हमेशा बड़े नजदीक से देखा है, चौधरी देवीलाल जी जब तक थे तब तक उनकी छवि पर कभी किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया, लेकिन उनके जाने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं का कई बार ऐसा मामला सामने आया जिनको लेकर सवाल खड़े हुए, चाहे वो महम से जुड़ा मामला हो, चाहे मौजूदा जो स्थिति सामने आई है जब ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह जेल के भीतर हैं। इस स्थिति के लिए क्या आप इसको आकलन करना चाहेंगे कि अगर चौधरी देवीलाल स्वस्थ होते अपने आखिरी दिनों में या उनका नियंत्रण ज्यादा होता राजनीति पर तो ऐसी स्थिति शायद ना बनती? ये तो आपका कहना बिल्कुल जायज है और मेरे मतभेद भी इसी बात पे उनसे थे, लेकिन रणजीत सिंह को तो सोल साहब ने अपनी वजारत में खुद पिता चीफ मिनिस्टर और बेटा जो पहली बार विधायक बने उसको मिनिस्ट्री में लिया, तो मैंने कहा कि जी इसका अच्छा संदेश नहीं गया जी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने दिल्ली की राजनीति करनी है, मैं आइंदा लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा जी। और रणजीत को फिर मैंने बागडोर सौंपनी है, ये पढ़ा लिखा है जी, स्वभाव का ठंडा है, कूल हेडेड है और शिष्ट है, तो इसको मिनिस्टर बनाया। बोला फिर इसकी अपग्रेडिंग होगी, जब सीएम बनेगा तो ज्यादा शोर नहीं होगा जी जी। तो मेरे उनसे मतभेद भी रहे, लेकिन रणजीत को तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी वो बनाना चाह रहे थे और फिर ओम प्रकाश असली हकदार था, तो ओम प्रकाश को भी चौधरी देवीलाल ने कहा कि रणजीत को मिनिस्टर बनाना है जी। तो रणजीत को ओम प्रकाश ने भी अपने मंत्रिमंडल में रखा जी। उसके बाद रणजीत सिंह और डॉक्टर केवी सिंह जो मेरा चचाजात भाई है और चौधरी साहब के परिवार से ही है, चौधरी साहब के हकीकी ताया का पोता है बिल्कुल, तो इन दो व्यक्तियों ने, इनका तो कांग्रेस से कोई वास्ता ही नहीं था, आज वो कहते हम कांग्रेसी हैं। मेरी पृष्ठभूमि तो मुझे तो चौधरी देवीलाल जी की वजह से टिकट मिली कांग्रेस की, और मैं कांग्रेस टिकट पे ही सन 67 में पहली बार विधायक बना जी। प्रताप जी आपसे इसी, उसके बाद मैंने दो चुनाव लड़े, दोनों में हारा जी। रणजीत पांच चुनाव लड़ा इन रो लगातार हारा, केवी सिंह पांच चुनाव हारा, तो उन लोगों का हमारा जैसा समाज है इसमें ताऊ की हैसियत समझो आप सबसे बड़ी होती है जी बिल्कुल। दादा तो एक साल का बच्चा जो है ना, वो उसका पैर बड़ा तो दादा हो सकता है, नाना हो सकता है, चाहे वो अनमेरिड है जी जी, लेकिन ताऊ तो वही होता है ना जो बाप से पहले जन्म ले जी, ताऊ हर कोई नहीं हो सकता, तो ताऊ का दर्जा तो हरियाणवी समाज में सबसे बड़ा है, और हमारे लोग चाहे हरियाणा दिल्ली के बहुत करीब है लेकिन यहाँ थोड़ी फ्यूडल सोच के लोग हैं, तो लोग हीरो वर्शिपर्स हैं, तो चौधरी देवीलाल की हैसियत एक हीरो की बन गई, तो उनके खिलाफ हम कोई दलील की बात करते और लोग सुनते ही नहीं थे, लोग कहते थे भी प्रताप रणजीत हमने चुनाव लड़े हम हारे हमेशा, वो कहते थे आप देवीलाल परिवार से हो, हम आपकी इज्जत करते हैं और आपको सुनते हैं, इकट्ठे हुए आपको चाय पानी का पूछते हैं, क्योंकि यू बींग सन ऑफ देवीलाल, बोला यही क्वालिफिकेशन आप जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और वोट तो हम ओम प्रकाश को देंगे, आप मेरी बात सुनो ना जी जी। तो मैं उनसे बहस करता था तो वो ये कहते थे कि मेरे को भी रणजीत को भी कि आप तो महल एमएलए ही बनते हो अगर हम आपको वोट देने की गलती है, और ओम प्रकाश को तो हम सीएम समझते हैं, तो हम एक सीएम को वोट दें या एक उस व्यक्ति को जिसके एमएलए बनने के भी चांस ना हो जी। तो इन हालात में अब मैं क्या आपसे बहस करूं जी प्रताप जी, जी मैं इसी पर आपसे थोड़ा सा और रोशनी चाहूंगा, आप तो सारी चीजों के जी आप तो सारी चीजों के बीच में रहे हैं, परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं आप चौधरी देवीलाल परिवार के, ये स्थिति कैसे बनी? जैसे आपने खुद कहा कि अपनी विरासत चौधरी रणजीत सिंह को देना चाहते थे चौधरी देवीलाल, लेकिन बाद में पूरी बागडोर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने संभाल ली, ऐसी क्या वजह बनी थी कि आखिरकार बाद में चौधरी देवीलाल ने भी ओम प्रकाश चौटाला को ही अपना सारा राजनीतिक दायित्व सौंपा? हरियाणा के जो एमएलए की का बहुमत जी, जो लोकदल के एमएलए थे और
हरियाणा की जनता वर्कर पार्टी के, उन्होंने तो देवीलाल को हरियाणा भवन दिल्ली में घेर लिया और तब उन्होंने कहा कि भी मैं जनता की जो आवाज है लोकतंत्र में उसको मैं कैसे इग्नोर करूं। तो उन्होंने जनता की आवाज के झुकके, यही असल लोकतंत्र है, उन्होंने फिर ओम प्रकाश के लिए ऐलान कर दिया भी मेरा उत्तराधिकारी ओम प्रकाश और केवल ओम प्रकाश है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप चौटाला जी। चौधरी देवीलाल के बेटे प्रताप सिंह चौटाला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और पुरानी तमाम बातों को याद कर रहे थे, किस तरीके के व्यक्ति थे, किस तरीके का नाम था चौधरी देवीलाल का, उनके सिर्फ नाम पर ही उनके परिवार ने आगे राजनीति की, कितना सम्मान करते थे लोग चौधरी देवीलाल का, ये तमाम बातें प्रताप सिंह चौटाला याद कर रहे थे। इस विशेष कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा याद आए ताऊ देवीलाल।